अन्योंगासेयो योरोबुन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 50 में ऑफ हेलो कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लेसन में हम जो व्याकरण करने जा रहे हैं वो गो इत्ता है, जो प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सप्रेस करती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है हक्सब मुख्यो, नंबर वन देखिए, व्याकरण गो इत्ता का उपयोग करके निरंतर क्रिया या स्थिति को व्यक्त करने के लिए वाक्य बनाना। अगर गो इत्ता को हम गहराई में समझते हैं, गहराई में पढ़ते हैं, तो इसके टोटल चार यूजेस आते हैं, तो हम इन चारों को इस लेसन में कंप्लीट कर लेंगे। नंबर वन को देखिए, क्रिया करने के बीच में होना, किसी काम को जब आप कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट को एक्सप्रेस करना। नंबर टू, कोई ऐसा काम या कोई ऐसी क्रिया है जो नियमित अंतराल पर दोहराई जाती है, जैसे स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, वहां पर भी यूज होता है इसका। नंबर थ्री पर आइए, कोई क्रिया भूतकाल में हो रही थी उसको एक्सप्रेस करा जाता है गो इसोत्ता से। और नंबर चार जो है, किसी कार्य का परिणाम कायम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैंने मोजा आप जानते हैं, कैप होता है, हैट होता है, वो पहनी, पहनने के बाद में वो मोजा भी पहनी हुई है ना, तो उस सिचुएशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए गो इत्ता का यूज़ करा जाता है। तो क्लियर हो गए होंगे चारों यूजेज ये। आगे बढ़ते हैं। अब ये आप सिचुएशन देखिए, ये पिक्चर को देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, किताब पढ़ी जा रही है, किताब पढ़ी जा रही है। तो इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गो इत्ता का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा, चिगम मोहागो इसोयो, चिगम मोहागो इसोयो, अभी आप क्या कर रहे हैं, भाई ये किताब पढ़ रहे हैं अभी। तो आंसर आएगा छैगल इल्को इसोयो। तो ये जो गो इत्ता है ना, अब ये बता रहा है कि भाई इस समय हम ये काम कर रहे हैं, इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग। कुछ आइडिया लगा ये गो इत्ता ग्रामर का कैसे कैसे क्या यूज होता है, अभी हो जाएगा क्लियर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखिए। सबसे पहले इस ग्रामर का जो अर्थ है वो समझते हैं। एक नंबर पॉइंट पर चलिए, व्याकरण गो इत्ता एक क्रिया से जुड़ा होता है, इट कैन बी अटैच्ड ओनली एंड ओनली विद द वर्ब्स, नो नाउन्स, नो एडजेक्टिव्स। और क्या दर्शाता है कि क्रिया गतिविधि या अवस्था कंटिन्यूस है, अभी हो रही है, चल रही है। और दूसरे शब्दों में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो 1.1 पॉइंट देखिए आप, क्रिया वर्तमान में किया जा रहा है, कोई काम अभी करंटली चल रहा है या समय के अनुसार प्रगति में है या क्रिया करने के मध्य में है। सिंपली अगर इसको समझेंगे, एक्शन इज कंटिन्यूस और इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग। और 1.2 को देखिए, जो इसके समान हिंदी अर्थ आएंगे ना, वो ऐसा आएगा अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो कुछ अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये गो इत्ता क्या है, ये बहुत आसान ग्रामर है, अभी क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी यहाँ इस वीडियो में क्या हो रहा है, ये है ना, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए मिस्टर किम है, मिस्टर किम अभी क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
ये पढ़ाई करने वाला एक्शन कब हो रहा है, ये अभी चल रहा है। तो इस सिचुएशन को हम है ना गो इत्ता ग्रामर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, चिगम मो हागो इसोयो, अभी आप क्या कर रहे हैं, आंसर आया खुम्बू हागो इसोयो, भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सिचुएशन एक्सप्रेस करी जाती है गो इत्ता से। एक और उदाहरण देखिए, नंबर 1.5 को देखिए, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, भाई कपड़े प्रेस करे जा रहे हैं। ये देखिए, ये एक्शन अभी चल रहा है, हो रहा है, इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, गो इत्ता यूज कर लीजिए, यहाँ पर बहुत आसान है। मो हागो इस्सोयो, आप क्या कर रहे हैं, भाई ओ सलतारी गो इस्सोयो, भाई मैं कपड़े प्रेस कर रहा हूँ अभी। तो अगर आप इन 1.4 और 1.5 को देखेंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई ये गो इत्ता कौन से सिचुएशन में यूज होता है। हो गया क्लियर, आगे बढ़े। चलिए पहले कंजुगेशन रूल सीखते हैं, बहुत आसान है। कोई भी वर्ब ले लीजिए कोरियन लैंग्वेज का, पाच्छिम है या पाच्छिम नहीं है, दा को हटाइए और गो इत्ता जोड़ दीजिए। देखिए, नंबर 1 खादा, खागो इत्ता, मोक्ता, मोक्को इत्ता, नंबर 3 इक्ता, इल्को इत्ता, नंबर 4 दत्ता, दुत्को इत्ता, नंबर 5 चुप्ता, चुपको इत्ता, नंबर 6 नात्ता, नात्को इत्ता, नंबर 7 मांदलदा, मांदलगो इत्ता, नंबर 8 कोरुदा, कोरुगो इत्ता, नंबर 9 खुम्बुहादा, खुम्बुहागो इत्ता, नंबर 10 उन्दोंगहादा, उन्दोंगहागो इत्ता। तो ये बहुत आसान है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि इसको ना, इस टेबल को एक बार कॉपी में अपनी बनाइएगा, लिखिएगा, ये ऐसे क्लियर नहीं होगी। कंजुगेशन रूल हमेशा लिख के समझने चाहिए, तभी वो क्लियर होते हैं। आप लिख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम इसमें समय नहीं लगेगा। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं। देखिए, अभी वर्ड आएंगे आपकी स्क्रीन पर, आपको जस्ट गो इत्ता जोड़ देना है। नंबर 1 आ गया माशिदा, जोड़ दीजिए, कैसे होगा, माशी गो इत्ता। और देखिए, नंबर 2 प्रैक्टिस करिए, साथ साथ बोलिए, इक्ता विल बी, वेरी गुड, बोलिए इल्को इत्ता छारे सोया यरोबन। नंबर 3 पर चलिए, फात्ता विल बी, फात को इत्ता। नंबर 4 सालदा, सालगो इत्ता, साथ साथ बोलिए। नंबर 5 अब आप बताएंगे, छोना हादा विल बी, ने छारे सोयो छोना हागो इत्ता। अब आप बताइए, अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमने आपसे पूछा मो हागो इसो, सिंपल रिप्लाई कर दीजिए खुम्बु हागो इसोयो। क्लियर, कंजुगेशन क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, ये एक वीडियो आ गया, इसमें भी पढ़ाई चल रही है। ये मान लीजिए मिस्टर किम है, अभी क्या कर रहे हैं, भाई पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछ लीजिए, चिगम मो हागो इसोयो, अभी आप क्या कर रहे हैं, हंगो गोरल खुम्बु हागो इसो, भाई ये कोरियन भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो ये वो सिचुएशंस हैं जहां पर गो इत्ता यूज होता है, इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग। एक और उदाहरण देखिए, यहाँ पर भाई ये कॉफी पी रहे हैं अभी, देखिए ये ऐसे। अब यहाँ कि आपने इनको फोन करा, इनसे पूछा, भाई अभी आप क्या कर रहे हो, मो हागो इसो यो, आप कॉफी पी रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, बहुत आसान है, कॉफीरल माशी को हिस्सा, मैं कॉफी पी रहा हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 है ना, ये वो उदाहरण है जो इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग है, एक्शन अभी इन प्रोग्रेस है। क्लियर हो गया, और आगे बढ़िए, ये रेफरेंसेस है, सेकंड यूज अब आ गया है। देखिए, गो इत्ता का उपयोग किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए तब भी करा जाता है जब वो कुछ रेगुलर इंटरवल्स में नियमित अंतराल पर दोहराई जाती है। वो कौन से एक्शन होते हैं, भाई मान लीजिए आप है ना किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो क्या होता है, आप रोज सुबह जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, जाते हैं वापस आ जाते हैं, जाते हैं वापस आ जाते हैं। तो ये एक्शन कंटिन्यूसली है ना कुछ इंटरवल्स पे रिपीट होता रहता है। तो इन सिचुएशन में भी गो इत्ता का यूज करा जाता है। 2.1 उदाहरण देखिए आप, छोनन दे हक्के हो सो हंगो गोरल खुम्बु हागो इसो यो, भाई मैं कॉलेज में कोरियाई भाषा पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, ऐसे इसको लिख सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, भाई जब ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो क्या होता है, ये एक्शन भी रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट होता है।
सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं, फिर अगले दिन सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं, तो कोई आपसे पूछेगा भाई आजकल आप क्या करते हो, क्या कर रहे हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं भाई छौनन हंगुक भेसाइसो इरागो इसोयो, और छौनन भेसाइसो इरागो इसोयो, भाई मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, तो सिंपल बोल देना भेसाइसो इरागो इसोयो। तो नंबर टू क्लियर हो गया, गो इत्ता यूज करा जाता है जब कोई एक्शन रेगुलरली रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं नंबर थ्री पर। देखिए पास्ट टेंस के जो कंटिन्यूस एक्शन होते हैं ना उसमें आपको ना थोड़ा अलर्ट रहना है, क्यों? गो इत्ता तभी यूज होता है जब कोई पास्ट का एक्शन आप एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, ये ऐसे नॉर्मल पास्ट के लिए यूज नहीं होता। कैसे इसको समझना है, देखिए अभी उदाहरण आ जाएगा। 3.1 को देखिए, औजे वे छोनारा लन फादर सोयो, भाई कल आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, मैं आपको फोन कर रहा था, आपने मेरा फोन नहीं उठाया। अब आप इस सिचुएशन को समझिए, जब फोन करा गया था, जब मुझे कोई फोन कर रहा था तो मैं उस टाइम पर शावर ले रहा था, भाई शावर लेते हुए कैसे फोन अटेंड करेंगे, फोन भीग जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उस टाइम पर फोन रिसीव कर सकते हैं नहीं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब एक्शन ओवरलैप हो गए और आप फोन नहीं उठा पाए, तो उस सिचुएशन में गो इसोत्ता यूज हो सकता है। देखिए 3.1 को, औजे वे छोनारा लन फादा सोयो मियान हेयो शावो हागो इसो सोयो, मैं नहा रहा था शावो हागो इसो सोयो, ये एक पर्टिकुलर मोमेंट है, उस टाइम पर वो वाला एक्शन चल रहा था इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया। तो इन सिचुएशंस में गो इसोत्ता का यूज करिए। एक उदाहरण और देखिए 3.2, भाई कल मेरा दोस्त घर पे आ गया था, कब आ गया था, जब मैं उस टाइम घर की सफाई कर रहा था, सफाई करते हुए जो वो जो मोमेंट था, वो जो टाइम था, वो जो ड्यूरेशन थी, उस टाइम पर मेरा फ्रेंड आ गया था। 3.2 अगेन, चिबल छोंगसो हागो इसो सोयो, चिबल छोंगसो हागो इसो सोयो खत्ते चिंगो का वास्सोयो, मैं घर की सफाई कर रहा था तभी मेरा दोस्त आ गया। यहाँ पर गो इसोत्ता का यूज करा जा सकता है पास्ट कंटिन्यूस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। अब ये देखिए 3.3 उदाहरण को, भाई औजे मो है सोयो, कल आपने क्या किया था, भाई औजे तो बहुत बड़ा होता है, कल सुबह से लेकर शाम तक रात तक, इसमें कोई पर्टिकुलर मोमेंट नहीं है, और आंसर आ गया ची बेसो योंग बारल पोगो इसोसो, भाई मैं कल घर पर फिल्म देख रहा था। इसका जो आंसर है ना ची बेसो योंग बारल पोगो इसोसोयो, आप ध्यान से देखिए ये आंसर सही है या गलत है, क्या इसमें कोई पर्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है, नहीं ये आंसर गलत है, ची बेसो योंग बारल पोगो इसोसोयो यहाँ पर नहीं यूज हो सकता। क्यों नहीं यूज हो सकता, क्योंकि ये किसी विशेष समय या किसी विशेष क्षण में होने वाली क्रिया को व्यक्त नहीं कर रहा है यहाँ पर। कैसे ठीक करना है, बहुत आसान है, आत और थेत हम लोग कर चुके हैं कोरियन का पास्ट टेंस, उससे इसको एक्सप्रेस कर दीजिए चि बेसो योंग बारल फसोयो, ये एक ऐसा डिफरेंस है, इस पे बहुत डीप ग्रिप बना लीजिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं। क्लियर हो गया, एक दो बार और इसको पढ़ेंगे ये 100% क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पॉइंट पर, रेफरेंसेस पर। देखिए कोरियन में जो इप्ता है, सदा है, किदा है, शिंता है, पहनना पहनना पहनना, इसके इंग्लिश मीनिंग सबके पहनना ही आता है, और आप सब जानते हैं कि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए जब वेयरिंग होते हैं तो सबके लिए अलग अलग वर्ब है कोरियन में। ये इप्ता, सदा, किदा, शिंता, जब इन वर्ब्स के साथ में गो इत्ता का यूज करा जाता है ना, तो उसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। पहला तो क्या, अभी कार्य प्रगति पर है, उस टाइम पर इन द मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग है, और दूसरा आता है उस कार्य का परिणाम कंटिन्यू रहा था, कायम रहा था। कैसे इस सिचुएशन को समझना है, 4.1 देखिए, भाई मैं अभी टोपी पहन रहा हूँ, हैट पहन रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा किसी को अभी इस टाइम पर मैं पहन रहा हूँ, तो सेंटेंस बनेगा छौनन मोजारल सुगो इसोयो, और छौनन चिगम मोजारल सुगो इसोयो, अभी जो टोपी और जो हैट पहनने की क्रिया है ना उस टाइम पर चल रही होती है। गहराई से समझिए इस बात को, पहला यूज जो इप्ता
सदा किदा चिंता के साथ में होगा, कार्य प्रगति पर है। भाई मैं अभी शूज पहन रहा हूँ, मैं कपड़े पहन रहा हूँ, मैं कैप पहन रहा हूँ, हैट पहन रहा हूँ, तो वहां पर भी गोइत्ता यूज होगा। छौनन मोजारल सुगोइसोयो। अब 4.2 को ध्यान से देखिए, छौनन मोजारल सुगोइसोयो। देखिए इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन दोनों सेंटेंसेस का लगभग सेम ही आएगा 4.1 और 4.2 में, लेकिन 4.2 में क्या हो रहा है? मैंने जो 4.1 में जो कैप जो टोपी पहनी थी वो अभी भी पहनी हुई है ना, तो 4.2 में क्या हुआ? छौनन मोजारल सुगोइसोयो। जो टोपी पहनने की, कैप हैट पहनने की जो क्रिया है ना, वो पहले ही पूरी हो गई है, उस क्रिया का परिणाम अभी भी कंटिन्यू है, कायम है, तो वहां पर भी गोइत्ता का यूज होता है। अगर आपने 4.1 और 4.2 के डिफरेंसेस को समझ लिया तो आप ये कह सकते हैं इस ग्रामर के अब आप मास्टर बन गए हो। ध्यान से देखिएगा, हो रहा है क्लियर? वेरी गुड योर रोमन छारे सोयो। ये फाइन लाइंस ऐसी हैं, इनको डीपली समझिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, रेफरेंसेस नंबर 5 पर है। ये देखिए गोइत्ता का ना एक ऑनरिफिक और औपचारिक जो फॉर्म है वो है गो खेशिदा। तो औपचारिक स्थितियों में ना कभी भी गोइत्ता का उपयोग ना करें। अब देखिए ये 5.1 है, सोनसंग निमन हंगो बोरल कारेची गो खेशिमेदा। अगर आप यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं सोनसंग निमन हंगो बोरल कारेची गो इसम निदा, 0 मार्क्स हैं, हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों सेंटेंसेस का सेम आएगा। आप लैंग्वेज एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको इन गहराइयों का पता होना चाहिए। कि सोनसंग निम टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनके लिए हमें ऑनरिफिक यूज करना है। तो नेवर यूज गो इत्ता, यूज गो खेशिदा। 5.2 पर आइए, हरा बोजिनन इयागी हागो खेशिम निदा। वे दादाजी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमें ऑनरिफिक यूज करना है। सेंटेंस मत बनाइए हरा बोजिनन इयागी हागो इसम निदा, 0 मार्क्स। तो आप समझ गए, सोनसंग निम ख्योसो निम हारा बोजी हाल मोनी आबोजी ओमोनी बुजांग निम छाजांग निम। ऑफिस में भी बहुत सारे सीनियर लोग होते हैं तो उनके साथ भी गोइत्ता मत यूज करिएगा। ये कल्चरल पॉइंट है, इसमें अपना एरर 0 रखिएगा पहले दिन से ही। लास्ट देखिए, अब इसमें क्या होता है जब हम इस ग्रामर का यूज करते हैं ना, मोहागो इस्सो, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है। मोहागो इस्सो भाई, मुंह हागो इस्सो यो के ना 2 मीनिंग निकल सकते हैं। कि भाई कोई मेरे से ये पूछ रहा है भाई अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो एक नंबर सिचुएशन हो गई चिगम के साथ में। दूसरा मुंह हागो इस्सो यो हो जाता है नंबर 2 के साथ, योजुम के साथ, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। लेकिन नेचुरली लोग इसमें जो चिगम और योजुम है ना वो ऐड नहीं करते। ये लिसनर और स्पीकर के बीच में क्लियर होना चाहिए कि भाई जो मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो चिगम के अभी के बारे में पूछा जा रहा है या नंबर 2 योजुम इन दोनों के बारे में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। यही भाषा की गहराइयां हैं जो आपको समझनी है। देखिए 6.1, चिगम मो हागो इस्सो यो। अगर यहाँ से चिगम को हटा दिया जाए, मो हागो इस्सो, किसी ने मेरे से अभी पूछा भाई, हमसे पूछ लिया भाई अभी आप क्या कर रहे हो, भाई हम कोरियन पढ़ा रहे हैं, तो हम कैसे रिप्लाई करेंगे? हंगो गोरल कारे चिगो इस्सो यो। और आपसे किसी ने पूछा मो हागो इस्सो यो, उस टाइम पर है ना आप कुकिंग कर रहे थे उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, तो आप रिप्लाई करेंगे योरी हागो इस सोयो। 6.2 सिचुएशन पर आइए, मान लीजिए हम आपसे ना थोड़े समय के बाद मिल रहे हैं, थोड़ा गैप हो गया था, बहुत दिनों से आपसे नहीं मिले तो हमें ये नहीं पता आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई मो हागो इस सोयो। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, हम जानना चाहते हैं आजकल आप क्या कर रहे हैं। वैसा है थानी गो इस सोयो, भाई मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, मो हागो इस्सोयो के 2 मीनिंग निकल सकते हैं, इस समय क्या कर रहे हैं या इन दिनों क्या कर रहे हैं, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। लिसनर और स्पीकर बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं। उम्मीद है ये सब डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है ना अभी सफाई चल रही है कमरे की। अब ये इन द मिडल ऑफ डूइंग सिचुएशन है, बच्चे मो हागो इस्सोयो, अभी आप क्या कर रहे हैं? पांगल छोंगसो हागो इस्सोयो, मैं कमरे की सफाई कर रही हूँ अभी। पांगल छोंगसो हागो इस्सोयो। 1.5 देखिए, यहाँ पर अभी क्या एक्शन चल रहा है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर पानी पिया जा रहा है। मो हागो इस्सोयो मुरल माशी गो इस्सोयो। इवन 1.5 में से चिगम को हटा दिया गया
तब भी अंडरस्टूड है। लिसनर और स्पीकर जानते हैं किस बारे में बात हो रही है, अभी के बारे में या इन दिनों के बारे में। तो 1.5 मोहा गो इसोयो मुरल माशी गो इसोयो, मैं इस समय पर पानी पी रही हूं। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट उदाहरण पर देखिए, अभ्यास और करते हैं। ये ऑफिस का सीन है, यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी ये सब्जेक्टिव सिचुएशन हो जाती है, लेकिन हम जानना चाहते हैं भाई आजकल आप क्या कर रहे हैं, बहुत दिनों से आपसे मिले नहीं थे भाई, कोई नई जॉब लगी, कोई नौकरी लगी, ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। मोहा गो इसोयो, आप उसी टाइम समझ गए भाई ये हमसे जानना चाहते हैं आजकल हम क्या कर रहे हैं। तो आंसर आएगा वेसाए सो इरा गो इसोयो और वेसाए थाने गो इसोयो। और देखिए नंबर 4 को, यहाँ पर अब टीचर क्या कर रही है, पढ़ा रही है। ये इन द मिडल ऑफ डूइंग सिचुएशन है। सोनसंग निमन मोह हसयो, अब इसका आंसर आप देंगे। सोनसंग निमन मोह हसयो, बताइए। सोनसंग निमन कार्य छिदा, कार्य छिदा होता है टू टीच, पढ़ाना, जोड़ दीजिए गो इत्ता, बन गया सेंटेंस। सोनसंग निमन कार्य छिगो इसोयो, 0 मार्क्स, नहीं कार्य छिगो खेसयो। ऑनरिफिक है, ध्यान से यूज करिएगा कार्य छिगो खेसयो। तो अब ये ग्रामर कंप्लीट हो गई है, इसको एक बारी रैप अप कर लेते हैं। व्याकरण गो इत्ता जो है ना, ये यूज करा जाता है कोई क्रिया अभी वर्तमान में हो रही है, या आप उस क्रिया को या उस काम को करने के मिडिल में हैं, इस समय कर रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव एक्शन है, वहां पर यूज करा जाता है। इसके समान हिंदी अर्थ आएंगे अभी कर रहा हूं, रही हूं। और रेफरेंसेस में इसके जो दूसरे यूजेज हैं, देखिए नंबर 1 पॉइंट को देखिए, क्रिया नियमित अंतराल पर दोहराई जाती है, नेचुरल कॉम्बिनेशन योजुम के साथ में होता है, और क्रिया भूतकाल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट में हो रही थी, गो इसोत्ता से एक्सप्रेस करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, किसी कार्य का परिणाम विद्यमान रहता है। भाई मैंने सुबह कैप पहनी थी, कोट पहना था, कुछ भी वेयरिंग हुई थी, शूज पहने थे, फॉर्मल शूज पहने थे, लेकिन पहने सुबह थे लेकिन अभी तक पहने हुए हैं, तो वहां पर भी ये यूज करा जाता है। औपचारिक ऑनरिफिक के लिए गो खेशीदा का यूज करिए। नंबर 4 पर आइए, कंजुगेशन में कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, किसी भी वर्ब में कोरियन में पाचिम है नहीं है, दा को हटाइए, गोइत्ता को जोड़ दीजिए। और नेक्स्ट लेसन में हम जो ग्रामर करेंगे वो आओ चुदा करेंगे। देखिए आप कोरियन भाषा पढ़ रहे हैं और कोई ना कोई आपका एम तो होगा ही, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज की लर्निंग तभी कंप्लीट होती है जब कल्चर की नॉलेज हो। तो कोरियन कल्चर को अगर आप और जानना चाहते हैं, तो कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया का जो होम पेज है ना, उस पर जाइए, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, और SNS भी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कोरियन लैंग्वेज से रिलेटेड, कोरियन कल्चर से रिलेटेड। तो उनको भी देखिए, समझिए, हो सकता है कभी आपको कोई ऐसा इवेंट मिल जाए जिसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकें, तो उससे आपकी नॉलेज कोरिया के बारे में और इंक्रीज होगी, और वो बहुत ज़रूरी है अगर आप लैंग्वेज को डीपली समझना चाहते हैं। तो अगेन जस्ट गो टू द होम पेज ऑफ द होम पेज SNS ऑफ कोरियन कल्चर सेंटर इंडिया। कमसामिदा योरोबुल हामी बिल के हो।